उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। आज के जय उत्तराखंड। वैश्व मोटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, क्षेत्र की खबर, आपका अपने चैनल वैश्व मोटेन खबर। निर्णय ब्लॉक से, निर्णय ब्लॉक में 4 तारीख से बाल रामलीला मंचन का शानदार आयोजन हो रहा है। आज यहाँ पर इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। राजकीय हाई स्कूल प्रांगण दिगोली खाल में यह चल रहा है और श्री रामलीला कमेटी दिगोली खाल द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। 4 जून से 10 जून तक चलने वाले इस रामलीला का सभी बाल कलाकार हैं, बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं जो इसका मंचन कर रहे हैं। बहुत ही शानदार यह मंचन किया जा रहा है। 11 तारीख को यहाँ पर विशाल भंडारा है। आसपास क्षेत्र के सभी लोगों से अनुरोध है कि इन बच्चों का हौसला अफजाई करने अवश्य इस रामलीला को देखने पहुँचे। और जो लोग आवासीय प्रवासी आजकल गांव में आए हुए हैं, उनके लिए अपनी कला संस्कृति दिखने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। क्योंकि रामलीला एक दौर में हमारे धार्मिक कहें या हम यूँ कहें कि हमारे बच्चों का मनोरंजन का यही एक साधन हुआ करता था, लेकिन यह लुप्त होता जा रहा है। लेकिन रामलीला कमेटी दिगोली खाल द्वारा यह सराहनीय कार्य किया जा रहा है। देखिए यहाँ से हमारे सहयोगी दर्शन सिंह रावत की रिपोर्ट। रामलीला आज बेट शुरू हो गया है दिगोली खाल में और बहुत सुंदर एक मंचन होना पिछले दशहरा में जो कि सन 2022 तक चाहे हुए यख में रामलीला भाई हिंदा का दिनों, लेकिन कमेटी स्वास्थ्य की रूढ़ी का दिनों यो काम होना चाहिए और बढ़िया ये में तादाद भी लोगों का आने भी बन जाए और सुविधा भी हो जाए। रोड साइड में यख में हाई स्कूल प्रांगण में फर्स्ट क्लास जन के हमला आपका वीडियो में दिखाए बेहतरीन यख में साज सज्जा कर रहा है। चाहे मेकअप रूम में बात करो या चाहे हम स्टेज आगे बात करो या साउंड सिस्टम में बात करो या बैठक व्यवस्था की बात करो, जन आपल देखो पुरुषों को अलग महिलाओं को अलग CCTV कैमरा भी हम व्यवस्था करें ताकि कोई उपद्रव न हो। और बाजार में बहुत सुंदर ये रामलीला का आयोजन समिति का यख में सभी सदस्य भी रोज पहुँच दी और कई मंगल दल महिला मंगल दल भी यख में पहुँच दी। चाहे हम दिगोली की बात करो या अन्य चित्र जमरिया की बात करो या दीता ख्याता बात करो सभी या कोटापिंजली बात करो असुघाटा बात करो, यख में वीरेंद्र सिंह रावत जी थी जो कि क्वलरी का थी बीरूखाल ब्लॉक में और बहुत सुंदर ये डायरेक्शन कर दी। कम से कम 70-80 लगभग के रामलीला यूँ आज तक मंचित करे लिया अपने जीवन में। तो ऊँ दगड़ बात कर दो हम यख में वीरेंद्र सिंह रावत जी। रावत जी बहुत सुंदर यो प्रयास यख में रामलीला को दिगोल खाली क्षेत्र में कई सालों बढ़ नहीं हो रहा, लगभग लगभग जब तक याद से 40 साल भी नहीं हो रहा है। तो यख में यो जो बाल रामलीला का आयोजन हुआ है तो कद का ये में आप सुविधाजनक लग में यख में यह कन देख दिया आप ये रामलीला था साहब इन से सबसे पहले बात यह थी कि आप तुम्हें धन्यवाद देना चाहूँ कि आप एक हम आई और हमारा विचार लेना चाहिए। भले हमें एक अब तक कुछ समझ नहीं था लेकिन जब जनता ने हम कौन बाल की भाई आप थोड़ा ये बच्चों तक कुछ सिखावा बाल लीला होनी चाहिए हमारा तो मेरे बाल में बड़ा बड़ा प्रयास करो मैं जद कभी हुए सकल में सीख। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये क्षेत्र में जो साहब 2007 के बाद यख में रामलीला मंचन कभी भी नहीं हुआ तो हम तो बड़ा दुख होता ही कि लोग अपनी संस्कृति भूल गए। और जब यख बटिक हमारा माननीय गुणानंद मैदुलिया जी उन्हें फोन से संपर्क आई पिछले साल तो कुछ मैं विषम परिस्थिति कारण मतलब जो नहीं आ सकूँ था मैं, लेकिन उन बाई फोर्स का आई कि आप जो थोड़ा हम तो सहयोग दी तो मेरे वाले ये लाइक तो मैं अब तक कुछ नहीं समझ लूँ पर आप लोग मुझे कुछ समझना था अगर तो आप लोगों को धन्यवाद। तो अपने सब कुछ के लिए कि प्रभु राम की लीला क्या और जब प्रभु राम ही जीवन भर परेशान रही तो हमारे वाले कोई इन बात नहीं थे हम पर भी परेशानी आनी रही और आंछी जो भी संघर्ष कला
तो फिर मैं जो मान्यवर साहब से बड़ी बात याद कि पोरू साल भी हम आप लोग हम चाहिए आमंत्रित का ही वो एक बात अभी भी कह बोले तो जो दिवोली खादक समिति थे उनको मैं आभार प्रकट करना छू कि यूँ लोग मतलब अब संस्कृति जो है अठिया बढ़ाना कोशिश का ही लोग बिछड़ गए राम लग होता है कि नहीं तो यूँ लोग विशेषकर भी ये अध्यक्ष महोदय जी हमारा माननीय दिलवर सिंह जी रावत जी है ना तो और पूरी समिति हमारा एक हमसी दर्शन सिंह जी जन हमारा एक हम गुणान मंजुले जी काफ़ी अध्यापक वर्ग भी थी और सबसे बड़ी बात कि एक हम जो रोल करना थी पात्र उनको अंदर एक इन वो चीज़ है कि मतलब कैचिंग पावर जैसे बढ़ जान बहुत सुंदर तो वो मैं बड़ी खुश हूँ से कि इनके अंदर जो कैचिंग पावर जो है बहुत बढ़िया था तब सिखाना जो बोल समर्पित भावन भी चूँगो तो और सच रखना बढ़ाना सी एक वैसे मतलब मैं मन से ऊँ झगड़ अपने सहोदी धन्यवाद सर धन्यवाद सर आज हम आपा ग्राम लीला देख ला आपा डायरेक्शन मैं भी थिएटर से जुड़े हुए और जरूर मैं तो बढ़िया लागल इन कोशिश के पहले पर्च मिल रहा सर विधायक तो बहुत बढ़िया चलनी चाहे और जरूर हम कोशिश कर ला आप ही सफल मिला और श्री राम ही तो सफल जरूर कर रखे क्यों लीला चाहे बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद सर आज आ रहा हूँ जमरिया पंचायत घर में दुगल खाद में जख्म की बाल रामलीला हूँ मैं पिछले बार दसरा दिन भी एक रामलीला हुआ है जो कि 7 दिनाक से है और अबादा भी 7 दिनाक रामलीला हूँ मैं लेकिन कुछ ठंडा वजह से और कुछ मौसम वजह से ईद आऊ गर्मी में रामलीला हूँ मैं जो कि लगातार बनी डाली यख में हमर दगड़ छी बिरजमोहन मंदोले जी जो कि एक डायरेक्टर छी उन दगड़ी रामलीला विषय में बात कर दो और बात कर दो बाल कलाकारों विषय में बहुत सुंदर पिछले बाल रामलीला हुआ जो हम लाभ भी दिखाए और ये बार भी हुए थे दिखाने की पूरी कोशिश कर ला डायरेक्टर साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये एक बहुत पुण्य काम हो मैं देवभूमि में रामलीला हमारे अपन पर लुप्त हो गए जे आप एक बार फिर सुरातकार तो अबदा पहला दाम और अबदा में कदा फर्क पड़ल काफ़ी कुछ फर्क पड़ल पहले तो सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद कि सब लोग हम तो साथ दे नहीं यख में हमके हिसाब से यो व्यवस्था बना दो कन कर दो क्या कर दो विशेष पहले मैं डायरेक्टर साहब का धन्यवाद कर दूँ कि जो हम तो ईदगा टाइम दे दी मिस सह डायरेक्टर छो दगड़ में और व्यवस्थापक भी छो हम गुरु जी लोग बाकी सभी लोग सहायक विशेष अपन सभी लोग जो हम कार्यकर्ता छो और विशेष हमार रावत जी डायरेक्टर साहब छे ग्राम कोलरी बेटकी और बीरेन्द्र सिंह रावत जी ग्राम सभा कोलरी बेटिक छे आप डायरेक्टर छी दगड़ में सोहन लाल जी हमारा म्यूजिक मास्टर छी उक दगड़ में श्री दिनेश जुयाल जी तबला वादक छी और साथ ही हमारा मुकुंदी लाल भाई साहब नाल फरची दगड़ मान्य लोग कई जुड़िया छी और घोड़ा ढूंग बटे की अमर दगड़ आनंद भाई जो कि बहुत अच्छो रोल भी कर दी सभी कार्यक्रम अमर दगड़ निभाना छी ये बार हमला असल में इनकार की जबकि 9 ही महीना हो रही है अभी रामलीला था भैया हूँ तो वही टाइम पर जो नवरात्रि टाइम हों यख में ठंडक प्रकोप ज़्यादा भी जान तो ये कारण हमल जो विश्वास कि जूनक महीना ये तक करी जाओ तो थोड़ा बच्चों से भी राहत मिला ली और ठंड से भी कुछ बचत हुई राहत मिल ली बंद कर दो एक बार पिछली बार 7 दिन रामलीला कार और ये बार भी 7 दिन है तो उन विशेषकर बोल दी कि 10 दिन है रामलीला हूँ मतलब जो हम सुन चो रामलीला पहले हमें विद्या चाहिए तो यो 7 ही दिन के लिए करिए बात कि गर्मी सीजन भी हाँ 7 दिन असल में इन हों कि यख पहाड़ी क्षेत्र से हम लोग उतर ईदगा ज़्यादा वो भी नहीं हों सुबह सवेर तक हम तो रामलीला दिखाना पड़न तो जे में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रामलीला खींच दो देश में इन हों या कुन शहर हों कि वो लोग 1 या 2 घंटे रामलीला कर दी कम से कम सीन दिखा दी तब वो 10-11 दिन तक खींच दें दी यख हम तो जो 7 दिन में ये पूरी रामलीला दिखाना पड़न और सारा रात तक कार्यक्रम करना पड़न किले कि आजकल कई जंगली जानवरों भी खतरा रहन तो हम कहता अधा रात तक बीच में छोड़न भी नहीं चाहता नाम बाल रामलीला कद बालक ही आपके बार रोल करना चाहिए ये में 30 या 35 बालक छी बालक बालिका सभी और बाकी उदगड़ सहायक में हम जन लोग भी छी और ये घोड़ा डोंग बेटी के यहाँ छी कोई कैख बेटी कोई कैख बेटी नहीं हमारे तालमेल बने हुए तो वैसे मतलब बच्चों प्रोत्साहन बताना कहीं बच्चों एक खूबसूरत सो रोल कार छा एक में ताड़िका को कैल कार छा पिछले बार बड़ू फेमस भी हुआ छा कई लोगों में कणवालू से बात करा दे लेकिन मेरी तबियत खराब रहा मैं आ नहीं सको तो कुछ आओ
धन्यवाद आपको उम्मीद है। जनवीर रोल कमी भी कई लोग मतलब पर्सनली फोन करी वाल और दूसरे एक लोल बहुत लोग पसंद आया जो छवि राजा दगर पैसे बेटा हवा बोलना चाहिए जो रहा वाला हो हमारा ही चाचा जी छाई सुरेश आनंद जी वो पिछले बेटी हवा बोलना चाहिए और हमारा गुरु जी छाई धीरेन्द्र सिंह जी छवि राजा बने हो। तो विशेषकर हमारा रामलीला मेन हो कि जन रामलीला हूँ मैं तो बीच में कुछ कॉमिक हो चाहिए मतलब बीच बीच में ना तो वे कॉमिक कुछ है चाहिए में या सिंपल रामलीला चले रामलीला में की कॉमेडी हो। अब एक बार हमारी व्यवस्था करी छे जड़ा उखान बेटी की बालम भाई की कुछ हमारे महिला संगीत वाला भी आंदी तो महिला मंगल दल वो भी हमारे बीच कॉमिक टाइम या गीत गाने का टाइम इन रखियो चूंग प्रति भी कुछ एक हमारे छोटू बालक जो वो जागरूक कार्यक्रम कर तो वो एक भी हमारे कार्यक्रम रखवा रहा बीच में। बताओ कि ये रामलीला ले कई दिन में शुरू होने और कई दिन खत्म होने या कई दिन तुम भंडारा की व्यवस्था कर रहे हैं जन की पर्चा में लिख रहा है तो वे तो आप डिटेल से बता रहे तो लोग ज़्यादा सुन ला पढ़ना बजाय ये रामलीला हम 4 तारीख बटी शुरू करण और आज झंडारोहण भी हो गया आज मंगलवार से हनुमान जी के दिन छाए तो आज हम झंडारोहण करी कब शुरुआत कर ला तैयारी कर ला स्टेज वगैरह बनाने की 4 बटी हम श्याम भगत बटी रामलीला शुरू करण जेका कि मुख्य अतिथि पहले दिन का विशेष हमारा पीएन शर्मा जी छे और ऊँख हम तक बहुत बड़ा सहयोग अभी तक मिली हुई पिछले बार भी और ये बार भी बहुत अच्छे सहयोग दिया उन्होंने बाकी हमारा डीएम साहब जी से हम उनसे भी गिल्डियाल से भी आकांक्षा उम्मीद कर दो कि वो लोग भी पहुँच लाए हमारा गजेंद्र सिंह जी छी रावत जी उनसे भी हमारे कुछ आशा इन जुड़िया छी कि मूर्ति बान बोलियों एक स्कूल में कि मूर्ति आप जो अख स्कूल में प्रदान कर दिया प्रतर बटी इन्हें कुछ टाइमिंग के डाल रामलीला को टाइमिंग 9:30 से प्रारंभ करे जा। हाँ जी सुबह देखो तब ताकि लोगों थे कोई नहीं हो परेशान नहीं हो और जंगली जानवर को खतरा नहीं रहो ताकि मतलब सुबह रोड में लोग आराम से अपर दयाल में जा सकती और रात खा पी आराम से आ दे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ दूसरी एक और पूछना चाहिए कि पिछली बार तो काफ़ी कपड़ा वगैरह वगैरह में एकदम भव्यता लग में लेकिन कख मिमी तो इन लाग की जन कुछ जरा इन लग में कि कख में कुछ थोड़ा बहुत कमी रह गई थी ये बार वो दूर हो जाला लगभग। हाँ जी ये बार दूर करने की कोशिश कर ला कि लेकिन बच्चे छी बच्चों से भी गलती हो जाती बिल्कुल बिल्कुल। अब कद को कई बाल छाई कई का बाल कने गया छी कई कुछ कई बात होनी तो संभालते संभालते फिर भी पहले साल से काफ़ी अंतर से आप लोग देखना बोला ये रिहर्सल में कि बच्चा के हिसाब से कार्यक्रम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी बहुत बेहतर आप काम करमी रामलीला के हम आयोजन करमी बिल्कुल गौ दिगल ख्याल समिति की बात करो या क्षेत्र का जद का भी प्रतिनिधि जो बात करो सब ये बेहतरीन सहयोग कर दी और पिछली बार ये रामलीला बहुत बढ़िया हुआ है और अबाद अभी हम उम्मीद कर दो आप सब लोगों से देख लो से जन के हम पहले भी बोल कि जरूर यूँ छुट्टी में घर में आया और रामलीला भी दिखें यहाँ पर बच्चों था संस्कार भी मिल दी और दगड़े दगड़े आपका बच्चा गाँव गदा भी घूमिक चंदी छुट्टी पड़िया छी और जुलाई में स्कूल शुरू हूँ यहाँ मानिए रामलीला 4 जून से शुरू हूँ मैं और 10 जून अखन एक समापन हो जान 11 अखन बहुत सुंदर एक भंडार छ वो भंडारा भी आप आनंद लेने एक मी दर्शन रावत रत्नेश जी दगड़ वॉइस ऑफ माउंटेन अखनी दिगुल ख्याल बैठ और पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए घंटी बजाइए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा आन वाला दिनों पे सिख समा लियावा ए जावा ए जावा।